दोस्तों, जब भी भारत में कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है तो उसको लॉन्च करने के लिए एक लॉन्चिंग व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है। इंडिया के पास पहले सिर्फ दो तरह के ही लॉन्चिंग व्हीकल्स हुआ करते थे, पहला पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और दूसरा जियोसिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल। लेकिन अब इसरो के पास और भी बहुत तरीके के लॉन्चिंग व्हीकल्स मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने एक नए तरीका लॉन्चिंग व्हीकल ईजाद किया जिसको SSLV कहा जाने लगा। SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसको सिर्फ छोटे सैटेलाइट को ही लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। आज हम PSLV, GSLV और SSLV इन तीनों के ही बीच के अंतर के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PSLV रॉकेट्स के बारे में। दोस्तों, PSLV रॉकेट्स को इंडिया के पहले रॉकेट्स के तौर पर देखा जाता है। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और इसी PSLV रॉकेट की मदद से इंडिया ने मार्स मिशन और चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। PSLV की मदद से 600 से लेकर 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट्स भेजे जा सकते हैं। PSLV का इस्तेमाल आमतौर पर निगरानी रखने वाले सैटेलाइट्स या फिर कैमरे के लिए किया जाता है, और ये धरती के चारों तरफ घूमकर धरती पर निगरानी रखने का काम करते हैं। दोस्तों, PSLV रॉकेट की मदद से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में भी सैटेलाइट्स को रखा जा सकता है। PSLV रॉकेट्स के चार स्टेज होते हैं, जिसमें से पहले और दूसरे स्टेज में सॉलिड फ्यूल भरा होता है और तीसरे और चौथे स्टेज में लिक्विड फ्यूल भरा होता है। अब हम बात करते हैं GSLV रॉकेट्स के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनाइज लॉन्चिंग व्हीकल। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ जियोसिंक्रोनाइज ऑर्बिट में ही सैटेलाइट भेजने के लिए किया जाता है। अब आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर जियोसिंक्रोनाइज क्या होता है। दोस्तों, इसका सरल सरल भाषा में मतलब होता है कि जैसे जैसे धरती घूमती है वैसे वैसे सैटेलाइट भी अपनी दिशा बदलता है, और इसी को जियोसिंक्रोनाइज कहा जाता है। इस रॉकेट में 3 स्टेज और 4 बूस्टर्स को लगाया जाता है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ संचार के लिए काम आने वाले सैटेलाइट्स को ही भेजने के लिए किया जाता है, जैसे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट और टेलीविजन सैटेलाइट। इस रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से 2000 से लेकर 5000 किलोग्राम तक का भार ये उठा सकता है। इस रॉकेट की पहली स्टेज में सॉलिड इंजन, दूसरे स्टेज में लिक्विड इंजन और तीसरे स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट PSLV को ही ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं सैटेलाइट्स को भेजने के मामले में। अब हम बात करते हैं SSLV रॉकेट के बारे में। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ छोटे सैटेलाइट्स को ही ऑर्बिट में भेजने के लिए किया जाता है। SSLV रॉकेट की मदद से 500 किलोग्राम तक के वजन वाले सैटेलाइट को सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में भेजने के लिए किया जाता है, और इसकी मदद से हम 5000 किलोमीटर की दूरी तक सैटेलाइट्स को भेज सकते हैं। और ये रॉकेट भी 4 स्टेज वाला ही होता है, जिसके पहले 3 स्टेज में सॉलिड फ्यूल होता है और आखिरी स्टेज में लिक्विड फ्यूल भरा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर PSLV, GSLV और SSLV इन तीनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत ही एशिया का अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी पहले ही कोशिश में मार्स तक अपना सैटेलाइट पहुंचाया था, और इस तरह से इसरो ने अपना मजाक उड़ाने वालों को अच्छे तरह से जवाब दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबाएं और पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।